दोस्तों इस टाइम हम बॉर्डर पे आ गए हैं। आप देख सकते हो पीछे यहाँ चेकिंग होती है गाड़ियों की और यहाँ एक पास बनता है जो 12 घंटे का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज हम इस टाइम बुआ के घर हैं तकुनिया में और अब हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए। और हमने करेंसी चेंज करा ली, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये मैंने 10,000 रुपये ले लिए हैं नेपाल के, क्योंकि वहाँ करेंसी चेंज नहीं हो रही ना, थोड़ी प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए अब हम निकल रहे हैं घर से और अभी बॉर्डर से निकल के जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो मेरा लड़का रेडी है, छोटा वाला। दोस्तों सब जने रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये यहाँ का माहौल है, लगभग 15-20 घर हैं, नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही हैं। चलो दोस्तों यहाँ से अब निकल रहे हैं, सब गाड़ी में बैठ गए। दोस्तों इस टाइम हम बॉर्डर पे आ गए हैं, आप देख सकते हो पीछे यहाँ चेकिंग होती है गाड़ियों की और यहाँ एक पास बनता है जो 12 घंटे का लगभग, और इसके बाद एंट्री होती है। अभी आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यह है बिल्कुल, यहाँ होती है चेकिंग और यहाँ इनका कैंप है। यहाँ पास बनते हैं, यहाँ पूरी गाड़ी चेक करी जाती है। जैसे देखो, देख सकते हो दोस्तों हमारी गाड़ी चेक हो रही है, ऐसे पूरी गाड़ी चेक करते हैं, क्योंकि हाँ मैडम खड़ी हैं। तो इसके बाद हमें एंट्री मिलेगी और वहाँ। दोस्तों इस टाइम हम नेपाल में हैं, नेपाल के अंदर हैं और आप देख सकते हो यहाँ की स्टार्टिंग में जो दुकान है बॉर्डर के पास में, और ये छोटी सी नदी है आगे। वेलकम टू नेपाल। दोस्तों नदी में देखो जानवर सभी नहा रहे हैं और ये नेपाल की नंबर प्लेट ज्यादातर रेड है और आगे एक नेपाल बॉर्डर है जो मतलब पंसार की एक पर्ची कटती है अंदर जाने के लिए। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अब इस टाइम टीकापुर। ये कुछ दुकानें हैं टीकापुर की, आप देख सकते हो। अभी एक दुकान से हम थोड़े कपड़ों की रेंज देखते हैं क्या क्या है यहाँ। दोस्तों नेपाल तो हम घूम आए, वहाँ कपड़े काफ़ी महंगे थे और हमने वहाँ वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ बॉर्डरों पे तो बनाने के लिए मना कर दी थी। और अभी हम पहुँचे हैं, 5 मिनट हो गए हैं, अब चारा काटने जा रहे हैं। हमारी बुआ चारा काटने गई हुई है, अभी हम दिखाते हैं यहाँ का माहौल। दोस्तों ये मेरी फूफा जी की गेहूँ है और ये उनका चारा है, मेरी बुआ चारा काट रही है। ये मेरे दोनों लड़के पीछे पीछे आ रहे हैं। दोस्तों जितना चारा कट गया ये मेरी बुआ चारा काट रही हैं और अभी हम चारा लेके जाते हैं। और हम स्पाइडर को घर पे छोड़ के गए थे। दोस्तों ये जिस गांव में इस टाइम हम हैं रण नगर, इस गांव में हर साल इतनी बाढ़ आती है कि यहाँ जितनी भी फसल है सब तबाह हो जाती है। मतलब यहाँ गांव में घरों में के अंदर भी कमर कमर जितना पानी हो जाता है। अभी आपको नदी वो दिखाता हूँ,
दोस्तों ये नदी हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में है। अभी आपको पूरी नदी दिखाता हूँ और सामने बॉर्डर भी दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो नदी है नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में है। आप सामने देख सकते हो जो घर दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल का आर्मी वालों का कैंप है। वो यहाँ देखो यहाँ तर ये जो फसलें हैं ये नदी नदी के पानी से इंजन से पानी लगाते हैं। आप सामने देख सकते हैं इंजन भी चल रहा है। और यहाँ इतनी बाढ़ हर साल इतनी तबाही होती है बहुत ज़्यादा, उसी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये सरकार धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। और यहाँ एक नाव लगी हुई जो नेपाल जाते हैं यहाँ से जो पैदल जाते हैं, और आगे दूसरी तरफ आपने बॉर्डर में देखा होगा गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जो जो जाते हैं। और अब देखो आप देख सकते हो यहाँ की आबादी और फसलें। ये एक मेरा दोस्त है, मेजर नाम है इसका, ये यहीं के रहने वाले हैं। और सामने देख सकते हो आप लोग पलेजे लगा रहे हैं नदी के किनारे। और यहाँ ऐसे इंजन से पानी लगाया जाता है। सामने आपको नाव भी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आप मेरे पीछे नाव देख सकते हो, अभी नाव वालों को इसी तरफ बुलाया है, अभी हम नाव की सैर करेंगे। और दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप देख सकते हो नाव वाला आ गया बिल्कुल पास में, अभी हम नाव की सैर करते हैं। ये नदी के पार उस तरफ नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत इंजॉय आ रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। और देखो नाव की सवारी कर रहे हैं और अभी दूसरे पार जा रहे हैं हम नेपाल साइड में घूमने के लिए। अभी पहुंच के फिर वापस भी आना है। और पानी काफ़ी बड़ा बड़ा आप देख सकते हो, इस तरफ देखो आप पानी। नहीं आप नेपाल के हो या इधर के? अच्छा, ये भाई साहब इधर के ही हैं। दोस्तों बहुत मज़े ले लिए, बहुत इन्जॉय करा। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी दोस्तों को थैंक यू।